Ano ba kayo? Nahmadu wa nasta'inu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'd. Surah Al-Muhtar Hazrin Ikhran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. सबसे पहली बात यह है कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिसने यह मौका दिया हम सबों को कि हम लोग यहाँ जमा हूँ और एक दूसरे की बात सुने। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दूसरी बात यह है कि यह शर्फ है मेरे लिए कि मुझे यहाँ बुलाया गया और आप लोगों ने मौका दिया कि आप लोगों से चंद मिनट शुरू करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मशहूर हूँ आप तमाम हजरात का जो आप लोग यहाँ आए हैं इस वक्त, जबकि आप इससे बेहतर कुछ और कर सकते हैं। मुझे ये बताया गया था कि ये कलाम जो है वो अंग्रेजी में होना है, तो आप जरा हाथ उठाए बताइए कि अंग्रेजी में उर्दू करूँ या उर्दू में उर्दू। उर्दू दोबारा जरा हाथ उठा लें। जी तो अब ये उर्दू वाले तो हुई होगी इंशाल्लाह, तो अंग्रेजी वाले नहीं। दूसरी बात यह है कि जो अभी का मकसद ये फरमा रहे हैं कि शुरू में चंद बातें अंग्रेजी में हो जाए लेकिन वहां भी छोड़ देते हैं क्योंकि अक्सर 99% लोग यहाँ जो वो उर्दू में माशाल्लाह सर देंगे इंशाल्लाह करिए अंग्रेजी में कर लेंगे। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अभी जो मौजू मेरे जहन में था या जो मुझे बताया गया था वो था तालीम, और तालीम में हमारी हालत और हमसे कैसे बेहतर बना सकते हैं वगैरह, लेकिन मौजूद थोड़ा तब्दील हो गया है और मौजूद से वसीह हो गया है तो हम इतना उसी पर बात कर लेते हैं। आज सुबह के कलाम में मैंने चंद बातें आप तमाम के सामने रखी थी कि हमारी हालत क्या है अभी, आज की हालत मुसलमानों की क्या है, जिसमें मैंने बहुत ढेर सारे डेटा पॉइंट्स आपके सामने दिए थे कि हमारे बच्चे क्या महसूस कर रहे हैं, हमारे नौजवान क्या महसूस कर रहे हैं, कौम की हैसियत से हम लोग हिंदुस्तान में और दुनिया में क्या महसूस कर रहे हैं, और फिर उसके बाद ग्लोबल चैलेंजेस जो है हमारे वो क्या हैं। उनमें से कुछ डेटा पॉइंट्स मैं दोहरा देता हूं ताकि जिन लोगों ने जो लोग उस वक्त नहीं थे वो लोग उस बात को समझ सकें। मैंने उस वक्त ये कहा था कि हमारे 5 से 9 साल के बच्चे 5 से 9 साल के बच्चे उसमें 33% बच्चे स्कूलों में ये नहीं बताते कि वो मुसलमान हैं। ठीक है, ये हमारे बच्चों पर असर है। उनमें से 50% बच्चे ऐसे हैं जो दूसरों के सामने 20% बच्चे ऐसे हैं जो दूसरों के सामने ये दिखावा करते हैं कि वो एक्चुअली गैर मुस्लिम है, वो अपने बारे में बताते हैं कि वो गैर मुस्लिम है। 20% बच्चे जब 9 साल की उम्र से ज्यादा होते हैं ऊपर होने लगते हैं तो उनका इस्लाम से कोई वास्ता नहीं रह जाता। 100 में से 20% ये बच्चा कौन है? ये मेरा बेटा भी हो सकता है, मेरी बेटी भी हो सकती है, आपका बेटा भी हो सकता है और आपका भी और आपका भी हो सकता है। 20% जिस कमरे में बैठे हुए जितने लोग हैं उनमें से अगर सबों को जोड़ लिया जाए तो अच्छी खासी तादाद हो जाएगी जहां हमारे बच्चे इस तरफ जा रहे हैं, और इसमें उनकी बहुत ज्यादा गलती नहीं है, उसमें एक्चुअली हम लोगों की गलत है। वो कैसे है? उन तक जो मैसेजेस पहुंच रहे हैं वो बहुत खतरनाक है और उस मैसेजेस को वो मान भी रहे हैं। मसलन जैसे मैंने सुबह अर्ज किया था कि जब बच्चों से छोटे बच्चों से ये पूछा गया कि सबसे ज्यादा शादियां कौन करते हैं तो मुसलमान, जबकि फैक्चुअली इनकरेक्ट बात है, हिंदुस्तान में सबसे कम 2 शादियां करने वाले जो कौम है वो मुसलमान है सबसे कम, लेकिन बच्चों तक मैसेजेस जो पहुंच रहे हैं बहुत ज्यादा शादी खराब बात है। ठीक है ना, ये मैसेज है जो बच्चों तक पहुंच रहा है और इसको न सिर्फ बच्चे मान रहे हैं इसको हमारे आबिद वाले लोग भी मान रहे हैं, बगैर रिसर्च के मान रहे हैं। वो इसलिए कि हम लोगों ने एक सकाफत होती है जहां लोग पढ़ते हैं पढ़ाते हैं लगातार पढ़ रहे होते हैं लगातार सुन रहे होते हैं रिसर्च कर रहे होते हैं, हम लोग वो कुछ नहीं करते। हम लोग न्यूज के कंज्यूमर हैं,
हमें टीवी बताता है, हम सुनते हैं, परेशान होते हैं, दोबारा प्रश्न नहीं देते, वो परेशान नहीं होता था। जैसे ही बिरयानी सामने आई परेशान था, अब बात बनी तो मजा आता। लेकिन दूसरी बात जो मैंने बताई थी इसी तरह की, वो जवान जो बच्चे हमारे हैं जो कॉलेजेस में जा रहे हैं, उनमें से तकरीबन 45% बच्चे शराब के साथ रिस्की बिहेवियर में शामिल हैं। यानी उन्होंने कम से कम लड़कियों में और लड़कों में चखा हुआ है शराब को, कम से कम एक बार, ठीक है ना। और तकरीबन 50% मैं भूल गया, 47% और 47% लड़कियां और 54% लड़के, कुछ इस तरह का रेशियो है, जिन्होंने गैर शराय ताल्लुक कायम किए हैं, तकरीबन 50। ये बहुत ही खतरनाक डेटा है। ये डेटा ये बताता है कि हम लोग इस्लाम से दूर चले गए हैं, हम लोग तकवा से दूर चले गए हैं। तो जो हल है, देखिए आपके पास यानी इसमें डेटा काम करना शुरू करो ना, तो जिस तरह हुआ कि हमारे पास आईएएस 3% है, आईएएस 1.8% 1.8 है, हमारे पास आईएएस आईपीएस हैं वो 4% है, हम सिर्फ 4% ग्रेजुएट्स बना पा रहे हैं, सिर्फ 4। हिंदुस्तान में 100 ग्रेजुएट जब होता है तो 4 मुसलमान होते हैं, आबादी हमारी तकरीबन 15% के आसपास, ठीक है ना। मदारिस में हमारे बच्चे सिर्फ 3.5% आ रहे हैं, 3.5%, और उसमें जो पढ़ाई क्या होगी सबको पता है। ठीक उसी तरीके से तालीम के मैदान में सुनिए इस बात को, 17% बच्चे जो 17 साल से ज्यादा की उम्र है वो 10वीं जमात पास कर पा रहे हैं। 10वीं जमात बच्चों को 15 साल की उम्र में पास करना चाहिए, 2 साल और बढ़ा दिया गया ताकि डेटा बढ़ा लगे, तो जाके 17% हुआ है। यानी हमारे 100 बच्चे में 17% बच्चे 10वीं जमात पास कर पा रहे हैं, 17 में 3.5 जोड़ रहे हैं। जैसे आप मान लीजिए कि तमाम बच्चा जो मदरसे में है वो सब आगे बढ़ गया, ठीक है ना, तो 3.5 जोड़ दीजिए तो सिर्फ 20% बच्चों को हम लोग 10वीं जमात पास करवा पा रहे हैं। 80% बच्चे नहीं कुछ कर पा रहे हैं तालीमी मैदान में, 100 में 80 बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा, वो क्या करेगा आज के जमाने में, अगर तालीम हासिल नहीं करेगा तो वो क्या करेगा आपके सामने। और दूसरे लोग उसको माइक पे बोल रहे हैं, पब्लिक रैलियों में बोल रहे हैं, आपने सुना होगा टायर बनाने वाला, आपने सुना होगा ये सारी चीजें तंग हम लोगों को कभी किया जाता है, ये सारी बातें सही हो रही है। तो हल क्या है, हल के लिए कुछ मुख्तलिफ सोचना होगा। मुख्तलिफ ये है कि अभी पैंडेमिक हुई, हम सब लोगों को बहुत खुशी महसूस हुई कि फाइजर की जो वैक्सीन जिन्होंने बनाई वो तुर्की के मुसलमान साहब ने, हम सब लोगों का सीना खड़ा हो गया, सब लोग माशाल्लाह बहुत खुश हुए। लेकिन अब ये देखें कि उस खुशी में हमारा क्या था, वो तो इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी थी जिसमें वो पढ़े थे, हमने कौन सी यूनिवर्सिटी बना ली है, बहुत सोचने वाली है ना, हमने क्या कर लिया है। अच्छा बात यह है कि दुनिया में इतनी बीमारियां आ रही हैं और बीमारियों की दवाई चाहिए, दवा के बाद उसको उस जगह तक पहुंचाने का निजाम भी चाहिए, हम कहां हैं। अच्छा एक और बात है, अल्लाह सुब्हानहू एक हदीस है, अहबुल नास इलल्लाह, अल्लाह के नजदीक सबसे अच्छे लोग, सबसे प्यारे लोग अल्लाह जिनको मानता है वो कौन है, अनफअहुम लिन्नास, वो लोग जो दूसरों को नफा पहुंचाते हैं, मुझसे और आपसे क्या नफा है नास को पहुंच रहा है, इंसानों को कौन सा नफा पहुंच रहा है। हम लोगों ने आखिरी दफा नोबेल प्राइज कब लिया था, किसी चीज को खोजा कब था, मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में 3 मुसलमानों को नोबेल प्राइज मिला है, किसी को पता है। देखिए आप लोग दिल्ली अल अमीन कॉलेज में बैठे हुए हैं, माशाल्लाह सब लोग पढ़े लिखे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जा रहे, कोई भी ऐसा नहीं है ग्रेजुएट है, और हम लोगों को यह तक पता नहीं है कि कितने मुसलमानों को नोबेल प्राइज मिलेंगे, ठीक है ना। 3 तो मुझे पता है फॉर श्योर,
और तीनों को सिर्फ एक को उसके मिले, दो को उसके पुरुष में मिला और एक को अमेरिका में मिला, ठीक है ना। और दो जो है, एक जो उसमें से उनको आर्टी लिटरेचर के लिए मिला है, एक को फिजिक्स के लिए मिला है पाकिस्तान में, और एक को एक्सरे कैमरा ईजाद करने के लिए मिला है कैलिफोर्निया में, कैलटेक, तीन लोग हैं। बात नहीं, 80% जो नोबेल प्राइज जा रहे हैं वो कहां जा रहे हैं, कुछ अंदाजा है आपको? छोटा सा मुल्क है जो हमेशा लड़ाई में रह रहा है, तकरीबन 80% में थोड़ा ज्यादा चुनाव इधर उधर हो सकते हैं, छोटा सा मुल्क है जो फलस्तीन से हमेशा लड़ रहा है, 80% नोबेल प्राइज वहां जा रहे हैं तकरीबन, वो इंसानियत के लिए बेहतर है, इसलिए वो है जो वो है। बस मैं बहुत तरफ बात कह रहा हूं, बहुत तरफ बात कह रहा हूं, और मुझे कहते हुए बेपनाह दुख हो रहा है, जो इंसानियत के लिए बेहतर होगा अल्लाह उसको आपके सर में रखेगा, लिखी हुई बात, इसमें कोई, जो इंसानियत के लिए बेहतर होगा, जो आसानी कह दिया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया ना, अल्लाह को कौन से लोग पसंद है, वो जो इंसानियों के लिए फायदेमंद। अब कौन इंसानों के लिए फायदेमंद, कौन रिसर्च कर रहा है, मगरबी रिसर्च कर रहा है, मगरबी दवा निकाल रहा है, मगरबी पढ़ा रहा है, मगरबी सारा काम कर रहा है, तो वो हमारे सब क्यों नहीं बैठेगा करने, ठीक है ना। वो बम भी मारेगा तो भी हम कहेंगे आइए आला हजरत, फिर भी आप ही आइए, यही कहेंगे ना, यही हो रहा है ना पूरी दुनिया में, क्यों हो रहा है, क्योंकि वो इंसानियत के जो फायदे की चीज है वो लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं कि हमारे अंदर सलाहियत नहीं, और ऐसा नहीं कि हम लोग बुद्धू लोग हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यानी आप थोड़ा सा पहले चले जाएं तो आप देखेंगे कि जो स्केलेटन का बेसिक डिजाइन है, सर्जरी का जो सबसे अहम टूल है, वो किसने बनाया है, मुसलमानों ने बनाया है। सर्जरी की जो बेसिक प्रिंसिपल है जो आज भी राय है वो मुसलमानों ने किए। जो हाथ की सफाई और सर्जरी में जो काम आने वाले जो जितने प्रिंसिपल्स हैं वो मुसलमानों के बनाए हुए हैं। सिटी को कैसे डिजाइन किया जाएगा, अभी हम लोग सोचते नहीं, हम लोग घर के डिजाइन के बारे में नहीं सोचते हैं कि हवा यहां से आएगी, बाथरूम को कैसा बनाएं, उसकी कैसे करें, अच्छा घर कैसे लगेगा, खुला कैसे रहेगा, ये हम लोग सोचते नहीं। लेकिन 500 साल पहले, 500 साल पहले मुसलमान साइंसदानों ने, जो कि उलमा भी थे, हर मुस्लिम साइंसदान उस जमाने में आलिम भी था, ऐसा नहीं था कि शरीयत का इल्म किसी और ने हासिल किया था और साइंस की ओर पढ़ रहा था, जिसने कैमरा ईजाद किया वो आलिम था कुरान का, ठीक है ना, जिसने टारजैन लिखा वो आलिम था और डॉक्टर भी था, जो आप लोग टारजैन जिसको कहते हैं वो एक्चुअली हाई बिन अफजान, वो कहानी अरबी की है, हाई बिन अफजान जो ट्रांसलेट हुई और वो टारजैन बनी, ठीक है ना, वो आदमी वो डॉक्टर भी थे और वो आलिम भी थे। ठीक उसी तरीके से जब आप देखेंगे प्लेन का जो बेसिक डिजाइन है, जिसकी वजह से प्लेन साउंड के बैरियर को, आवाज के बैरियर को तोड़ पाई, वो इब्ने फरनास ने 400 साल पहले लिख दिया था कि उसके दुम को मूव होना होगा, लेकिन साइंसदानों ने पढ़ानी पड़ी नहीं 400 साल तक, तो अमरीका ने कैसे इसको बनाया गया, वो साउंड के बैरियर को तोड़ने के लिए वो प्लेन लेकर ऊपर जाते थे और नोज ड्राइव करते थे नीचे, और अब हो गया, अब हो गया, अब हो गया, अब हो गया, क्रैश करने खत्म हो गए, 8 या 9 लोग ऐसे मरे। तब उनको, तब उन लोगों ने ईजाद किया, और जब ईजाद किया और फिर उसके बाद जब इस्लामिक कल्चर की रिवाइवल होना शुरू हुई, तब ये पता चला कि अच्छा 400 साल पहले फरनास एक्चुअली लिखे गए, ठीक है ना, कि तुमको मूव होना होगा, तो उन्होंने जब